हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? वेरी गुड। सो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं इंग्लिश की। ये वर्कशीट है और ये है 28 वर्कशीट और ये है भी 28 अक्टूबर के लिए। यस, 28 वर्कशीट फॉर 28 अक्टूबर और ये है बच्चों के लिए जो कि 8th क्लास के हैं। ऑलराइट, सो इन दिस वर्कशीट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट टेंसेज। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ हफ्तों से हम टेंसेज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। तो दीज आर द लास्ट टाइप ऑफ टेंसेज वी आर गोइंग टू लर्न एंड दीज आर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट है यानी कि एक्शन जो है वो पास्ट के अंदर शुरू हुआ था और कंटिन्यूअस है यानी कि अभी भी वो एक्शन अभी भी जारी है। तो इसके अंदर समझिए, यहां से दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगैन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। जैसे कि परफेक्ट में हमने किया था कि पास्ट में थोड़ा सा वो काम जो है, एक्शन है वो शुरू हुआ है, तो ऐसे ही ये वाला एक्शन पास्ट में शुरू हो गया है लेकिन वहीं पर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो कंटिन्यूटी में है ये काम, प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए प्रेजेंट है कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यूअसली वो काम जो है वो चल रहा है। अब जो इसमें अक्सर बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चल रहा है तो हम ये देखते हैं कि वो काम कब से चल रहा है। ठीक है, तो उसमें बच्चों दो चीज का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है फॉर और एक आप यहां पर देख रहे हैं सिंस। ठीक है, अब फॉर का इस्तेमाल कब किया जाता है? देखो, फॉर जो होता है, फॉर इज यूज टू रेफर टू अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान से देखो, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये लिखा है कि वो 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें टाइम जरूर दिया होगा और साथ ही साथ वो काम कंटिन्यूटी में हो रहा है यानी कि कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है। अब किसी टाइम पीरियड में अगर आपको फिक्स्ड चीज बताई जा रही है, भाई कितने, कौन से 2 घंटे, 5 से 7, 7 से 9, 11 से 1, कौन से 2 घंटे में काम हो रहा है, ये तो देखो हमें पता नहीं चल रहा ना इसमें। तो ऐसे केस में हम फॉर लगाएंगे, जहां हमें एक स्टिपुलेटेड स्पेसिफिक पीरियड दिया हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हमें दे रखा है, वहां पर बच्चों हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे अब मैं बता रही हूं इसके अंदर, नेक्स्ट वाला देखो, सिंस इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। अब यहां पर क्या हो गया, यहां एक फिक्स टाइम पीरियड हमें पता चल गया कि भाई वो 5 बजे से खेल रहे हैं। अब यहां पर है कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, अब कौन से 2 घंटे हमको नहीं मालूम है। तो जब भी स्पेसिफिक टाइम है तो सिंस लगा दो। जैसे मैं इस घर में सपोज 2000 से रह रही हूं, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड मैंने आपको बताया कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000, सिंस 2000। ठीक है, अब मैंने एक स्पेसिफिक पीरियड बताया, लेकिन अगर मैं कह रही हूं कि मान लो कि मैं 10 सालों से रह रही हूं, अब भाई कौन से 10 साल, वो हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या लगा देंगे वहां पे बच्चों, वहां हम लगाएंगे फॉर, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो जहां पर स्पेसिफिक होगा सिंस, नहीं है स्पेसिफिक, फॉर लगाइए। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि हैज और हैव, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं हैव का इस्तेमाल किया है प्लूरल के साथ में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, हैज जो होता है ये सिंगुलर के नाउन के साथ आता है, जैसे ही शी इट हो गया या कोई और सिंगुलर नाउन है, किसी का नाम है उसके साथ आएगा, और हैव जो होता है ये आई यू वी दे और जो भी प्लूरल के जितने भी नाउन्स हैं, आई और यू के साथ साथ, इन सभी के साथ में प्लूरल जितने भी नाउन है उनके साथ में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा जैसे कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिक्सचर समझ लो, सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ में एक बीन वर्ड आता है, जब भी कंटिन्यूटी का बात होती है ना कि इतने घंटे से मैं काम कर रहा हूं, इतने बजे से काम कर रहा हूं, इतने टाइम से मैं यहां रह रहा हूं, तो जब भी ऐसी कंटिन्यूटी वाली बात आती है तो बच्चों उसमें बीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ही has been living in this house for 15 years। तो has have के साथ में been लगा हुआ है, verb की first form ing, ing जब भी होगा तो हमेशा first form के साथ आता है, second या third के साथ ing word कभी, ing जो है वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको रूल। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, एफर्मेटिव करते हैं, उसके बाद में नेगेटिव करेंगे, उसके बाद में इंटरोगेटिव। रूल वही सिमिलर रहता है, बस थोड़ा सा समझने का है आपको।
ठीक है, अब इसके में देखो पहला वाला जैसे दे रखा है, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. अभी फॉर या सिंस वो नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ आपको ये वाली चीज बता रहे हैं कि टेंस कैसे यूज होता है. लेकिन हमेशा टाइम पीरियड, हमेशा जब भी आप एक्चुअली सेंटेंसेस करने लगेंगे तो टाइम पीरियड उसमें जरूर दिया होगा आपका. ठीक है, अब जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं लगातार इंग्लिश पढ़ रहा हूं. अब कितने टाइम से पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि 4 सालों से पढ़ रहा हूं, हो सकता है 10 सालों से पढ़ रहा हूं, हो सकता है 2 घंटे से पढ़ रहा हूं. तो टाइम पीरियड यहां पर पीछे वो अभी फिलहाल इन सेंटेंसेस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम का फ्रेज जो टाइम का जो स्पेसिफिक आपको पीरियड है वो जरूर इसके अंदर दिया होगा. ठीक है, इसी तरह से ही हैज बीन रीडिंग अ बुक, वो 1 घंटे से, 4 घंटे से, 2 घंटे से, आधे घंटे से बुक रीडिंग कर रहा है. पीछे टाइम पीरियड मैंने बताया नहीं दिया हुआ अभी इसमें. दे हैव बीन कैरिंग अ बुक बैग, वो किसी लंबे समय से इस बैग को कैरी कर रहे हैं. ये हैज नॉट बीन, अगर नॉट लगाना है तो हैज के बाद में नॉट लग जाएगा, इधर भी नॉट लग जाएगा, इधर भी नॉट लग जाएगा. इस तरह से नॉट नेगेटिव वाले हो जाएंगे. और अगर इंटरोगेटिव करने हैं तो वही जो हम बात करते हैं हमेशा कि जो सब्जेक्ट से पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा पहले आ जाएगा. ठीक है, जैसे हैव आई बीन स्टार्टिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ती जा रही हूं. ठीक है, हैज ही बीन रीडिंग अ बुक, क्या वो रीडिंग करते जा रहा है. हैव दे बीन कैरिंग अ बैग, क्या वो एक बैग कैरी कर रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है. और अगर पास्ट की बात की जाए तो बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है इसके अंदर. पास्ट के अंदर जो हैज हैव का पास्ट होता है ना बच्चों, क्या होता है हैज हैव का पास्ट, बिल्कुल ठीक, हैड होता है. तो उसमें हम लोग हैड लगा देते हैं. ठीक है, अब इसका रूल देख लो क्या होता है. इसके रूल में वही आता है, सेम ऊपर जैसा ही है. दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट. एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन खत्म हो चुका होगा. जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे हमने किया था ना कि दो काम होते हैं, एक काम पहले खत्म हो गया, दूसरा काम पहले, तो उसी उसी लेन में ही है, लेकिन अभी भी वो दूसरा वाला जो काम है वो चल रहा है. जैसे वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड, उसमें क्या होता है, उसमें ये फॉर 2 आवर्स नहीं था, उसमें सीधा था कि वी हैड, उसमें क्या था, वी हैड वेटेड देयर, है ना, हमने वेट किया. उस वाले पास्ट परफेक्ट के अंदर ये था, लेकिन अब कंटिन्यूटी में है तो हम बीन लगा देंगे और बीन के साथ में फॉर या सिंस का यूज आ जाता है, यानी कि टाइम पीरियड जरूर होगा. ठीक है, तो एक काम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और दूसरा काम अभी कंटिन्यूटी में आगे चल रहा है. इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है जैसा कि अभी हमने ऊपर यहां पर देखा है. हैड हैज हैव की जगह पे सिर्फ क्या हो जाता है, हैड हो जाता है. तो ये थोड़ा सा अगर आप अपने रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रूल्स बहुत सिंपल हैं. हैज हैव का सिर्फ पास्ट टेंस इसमें आपको करना है. तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे वही एफर्मेटिव का है, इसमें आपको वही दिया हुआ है, फिर नेगेटिव दिया हुआ है, फिर इंटरोगेटिव दिया है. ऊपर के जैसा सिमिलर है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी. बस इसमें आपका जो जब आप इसकी हिंदी कर रहे हैं तो था आ जाएगा, रहा था. ठीक है, जैसे क्या आएगा, आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, मान लो कि 2 घंटे से पढ़ा था, तो आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ते जा रहा था. ठीक है, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, वो रीडिंग करते जा रहा था, बुक की रीडिंग करते जा रहा था. दे हैड बीन कैरिंग अ बैग, वो मान लो कि पिछले 3 घंटे से बैग को कैरी कर रहे हैं, तो दे हैड बीन कैरिंग अ बैग फॉर लास्ट 3 आवर्स. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. और नॉट आ जाएगा तो वही हैड के साथ में नॉट आ जाता है, इधर नॉट आ जाएगा, इधर नॉट, सो नेगेटिव बन जाते हैं. इंटरोगेटिव में वही हैड जो है वो पहले आ जाएगा. तो इसमें आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा चीज समझाने वाली है नहीं. सो हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा था. हैड ही बीन रीडिंग अ बुक, क्या वो पिछले 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हैड आई बीन, मैं पढ़ रहा हूं पिछले 2 घंटे से किताब. तो इस तरह से जो भी आपका कंटिन्यूटी में चीज चल रही है, इसकी पहचान ही आपके टेंस की, जब आप एक्चुअली अपने एग्जाम में और अपने टेस्ट में, अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो तब जब भी आपको टाइम पीरियड के साथ में कंटिन्यूटी में कोई काम दिखाना है तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह से यही जो काम हो रहा है, अब ये फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूटी में काम हो रहा होगा. जैसे कि मैं 4 घंटे से पढ़ रही होंगी, कल मैं 4 घंटे से पढ़ रही होंगी, तो इस तरह से ये वाला टेंस का सेंस रहता है. देखो यहां पर, दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप until a particular event or time in the future. फ्यूचर के अंदर एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है, जैसे कि मैं कल सुबह से ट्रेन में सफर कर रहा होऊंगा. ठीक है, करता जा रहा था, तो ऐसा कंटिन्यूटी का टाइम उसमें जो फ्रेमवर्क है वो दिया होगा इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, जैसे बाय नेक्स्ट जनवरी, अगली जनवरी तक
वी शैल हैव बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स. अगली जनवरी, कई बार होता है ना हम बताते भी अगली जनवरी में तो मुझे 4 साल हो जाएंगे, ये तो ऐसे ही इसमें ये कह रहा है कि अगली जनवरी तक हम 4 साल इस घर में रह रहे होंगे या रह चुके होंगे, इस तरह से आ रहा है. ठीक है, तो शैल का इस्तेमाल आपको पता है आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में आता है, विल का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ आता है. सेकंड पर्सन जैसे कि यू योर ऐसा होता है और थर्ड पर्सन जैसे कि ही शी इट और दे देयर देम और कोई भी नाम होता है तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है. ठीक है, फिर इसमें अफर्मेटिव का वही रूल्स, सिमिलर ही रूल्स चलते हैं, बस उसके अंदर शैल है विल हैव बन जाता है. शेल और विल का यूज मैंने आपको दिखाया है, अच्छे से बता दिया है मैंने कि शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, विल जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ. इस पर्टिकुलर चीज के लिए सेपरेट वीडियो कुछ मुझे बच्चे बोल रहे थे, तो इसके लिए सेपरेट वीडियो की बेटा जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है शेल आई माई वी इसके साथ जो फर्स्ट पर्सन होता है उनके साथ आता है और बाकी चीजों के साथ में पर्सन के साथ में विल लगता है. ठीक है, अब इसके अंदर रूल हमारा जो है वही हमारा सिंपल रूल है, इसके अंदर विल शेल जो ऊपर रूल हमारे चल रहे हैं ना उसी के साथ बस आगे हमने इसमें विल और शेल लगा देना है, बाकी ऊपर वाले का रूल ही चलते जा रहा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे पहला वाला देखें तो आई शेल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा होऊंगा, मतलब मान लो कि 4 घंटे से मैं इंग्लिश इस समय पर पढ़ रहा होऊंगा, तो इस तरह से आ जाएगा. वी विल हैव बीन रीडिंग अ बुक, हम बुक पढ़ रहे होंगे, लगातार पढ़ रही हैं आप, कितने बजे से पढ़ रही हैं या कितने घंटे से पढ़ रहे हैं वो टाइम पीरियड इसमें आपको दिया होगा. इसके बाद दे विल हैव बीन कैरिंग अ बैग, वो बैग कैरी कर रहे होंगे, जैसे वो 3 बजे से बैग कैरी कर रहे होंगे, इस बैग को 3 बजे से कैरी कर रहे हैं, तो आगे के फ्यूचर के टाइम में बात हो रही होगी. जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से उसकी क्लैरिटी बनती चली जाएगी. और अगर नॉट की बात हो रही है तो वो विल शेल के बाद में नॉट लग जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं तीनों जगह में नॉट लग जाएगा, तो मैं बैग नहीं कैरी कर रहा हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसा आ जाएगा. और अगर इंटरोगेटिव की बात होती है तो शेल इसके अंदर या विल इसके अंदर पहले आ जाता है. ठीक है, जैसे शेल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश लगातार पढ़ रहा होऊंगा. Will he has been reading a book? क्या वह बुक की रीडिंग कर रहा होगा, पिछले 4 घंटे से कर रहा होगा या कल इस समय कर रहा होगा, कुछ भी टाइम पीरियड दिया जा सकता है. Will they have been carrying a bag? क्या वो बैग कैरी कर रहे होंगे. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. अब चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, वही सिमिलर चीज है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, आपको वर्ब्स जिसमें दी हुई है वर्ब की सही फॉर्म आपको भरनी है और अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका टेंस दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको फिलअप्स जो है वो फिल करने हैं. ठीक है, अब पहला वाला देखो इसमें क्या है, डैश शी डैश कुक सिंस 7 o'clock. अब 7 बजे से पर्टिकुलर टाइम है ना, इसलिए देखो यहां पे सिंस और फॉर का यूज भी थोड़ा थोड़ा देखते जाना ताकि उसकी भी क्लैरिटी आपकी बनती जाए. 7 बजे से, क्या वह 7 बजे से कुकिंग कर रही है. ठीक है, तो यानी कि अभी भी वो करती चली जा रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर यहां पे, हैज शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock, क्या वो 7 बजे से कुकिंग करती जा रही है. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वाला है, एट व्हाट एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पर ही डैश राइट अ नॉवल फॉर 2 months, उस समय पर उस 2 घंटे से नॉवल लिख रहा था. ठीक है, तो यानी कि लगातार 2 घंटे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात बताई जा रही है कि उस समय पर उसने 2 घंटे से मतलब वो लगातार लिख रहा था, तो पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, तो हैड आ जाता है, उसके बाद में बीन आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाता है. जैसे जैसे आप लोग रूल रिवाइज करोगे ना आपको अपने आप से ही लर्न हो जाएंगे रूल्स, तो यहां पर हम लगा देंगे ही हैज हैव का पास्ट लग जाएगा, यहां पे वो लग जाएगा हैड प्लस बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखी है राइट, और राइट के साथ में हो जाएगा राइटिंग. ठीक है, तो एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, उस समय पर वो 2 महीने से नॉवल लिख रहा था. अब नेक्स्ट वाला देखो क्या है, साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डैश प्ले फॉर 2 hours. अब देखो दो कौन से 2 घंटे हमको नहीं पता ना, तो किसका इस्तेमाल किया हुआ है यहां पे, फॉर का इस्तेमाल किया हुआ है, वही पास्ट परफेक्ट का यूज आना है यहां पर भी, यानी कि जो काम है ये वाला खेलने वाला काम जो है वो कह रहे हैं कि 2 घंटे से वो खेल रहा था और उसके बाद में फिर साहिल ने रेस्ट लिया, आफ्टर है ना बाद में, 2 घंटे तक लगातार खेलने के बाद में साहिल ने आराम लिया. ठीक है, ऑल राइट, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो दे रखा है, ही डैश स्लीप फॉर 5 hours. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 घंटे से सो रहा है, तो ही हैज बीन
स्लीपिंग, ठीक है ना, समझ आ गई बात आपको, प्रेजेंट का कहो, अगर इसी का पास्ट होता तो क्या कर देते, हैड कर देते, ही हैज बीन स्लीप के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना है आपको, आईएनजी लगाना है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, यानी कि कल, देखो वैसे भी यहां पर टुमारो आया हुआ है, इसका मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो वही हमने रूल लगा देना है, विल शैल लग जाएगा, फिर उसके बाद हैव लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म जो स्टॉप है उसके साथ में आईएनजी लग जाएगा. तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि रेन जो है ये थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा. तो द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो, कल तक रेन रुक रही होगी या रुक गई होगी. उसके बाद में नेक्स्ट वाला है, ही सेड दैट ही डैश लिव हियर फॉर 6 मंथ्स. उसने कहा कि वो 6 महीने से यहां रह रहा था, ठीक है. ही सेड ही हैड बीन लिविंग, इसमें ई हट के आईएनजी आ जाता है, ठीक है, ये हो गया हैड बीन लिविंग. अब देखो हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, साक्षी डैश नॉट डू हर होमवर्क फॉर अ वीक नाउ. फॉर अ वीक नाउ का मतलब होता है, ये जो फॉर हो गया, आप कौन सा एक हफ्ता है, कौन से 7 दिन है, हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया है. नाउ मतलब अब, ठीक है, तो हैड नॉट बीन डूइंग फॉर डूइंग हर वर्क फॉर अ वीक नाउ. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो है डैश दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में शुरू में क्या लग जाता है, बिल्कुल ठीक, पास्ट लगा हुआ है ना, तो हैड लग जाएगा शुरू के अंदर, हमारा जो पहला जो वर्ड है हमारा यहां पर, तो आ जाएगा हैड, ठीक है. उसके बाद में क्या आता है, हैड दे, बिल्कुल ठीक. उसके बाद आ जाएगा बीन, और गो के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, तो हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कॉल्ड. नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक ही डैश स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स, कि इस महीने के आखिर तक वो इस स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा होगा, ठीक है, यानी कि उसको 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसलिए वो इस तरह से बात कर रहे हैं. तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, ही हमारा थर्ड पर्सन है, उसके साथ आ जाएगा विल, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, विल के साथ में आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टडी, आईएनजी, तो ये हो जाएगा स्टडिंग, विल हैव बीन स्टडिंग. क्लियर हो गई बात. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, डैश ही डैश प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स बाय 4 o'clock. फ्यूचर की बात हो रही है, फिर फ्यूचर की बात हो रही है, अगर मीनिंग बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं भी आपकी आ पा रही है, तो अभी आपको फ्यूचर का रूल तो पता ही है ना बच्चों, विल शैल पहले आता है, उसके बाद में आपका वही हैव आ जाता है, बीन आ जाता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है. रूल्स बार बार रिवाइज करो तो भी आपको अच्छे से क्लैरिटी उसकी बन जाएगी. तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पर शुरू में क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, यहां पर आ जाएगा विल या शैल. अब क्योंकि ही लगा हुआ है तो उसमें तो आपको पता ही है, उसमें विल आ जाएगा, ठीक है, विल ही हैव बीन, और उसके बाद में आ जाएगा प्रैक्टिसिंग. ये आ गया प्रैक्टिसिंग. क्या 4 बजे वो 2 घंटे तक प्रैक्टिस कर रहा होगा, ठीक है. उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला है, ही डैश नॉट वर्क, नेगेटिव का रूल लगाना है, देयर फॉर 5 डेज. वो 5 दिनों से वहां काम कर नहीं रहा है, ठीक है. ही हैज नॉट बीन डूइंग वर्क देयर फॉर 5 डेज. फिर उसके बाद है डे डैश sing a song since 3 o'clock. अब कब से टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, इसलिए हमने सिंस लगा दिया. अब पास्ट टेंस का यूज करना है, तो डे के साथ में क्या आ जाएगा, डे हो या कुछ भी है, पास्ट टेंस के अंदर हमेशा क्या आता है, बिल्कुल ठीक, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या आता है, हैड ही आता है. तो दे हैड बीन, और फॉर्म है सिंग, उसके साथ में लगा दीजिए आईएनजी, तो बन जाएगा सिंगिंग. दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock. 3 बजे से वो गाना गा रहे थे, ठीक है. उसके बाद में आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत कहां से होती है, बिल्कुल ठीक, हैव यू बीन वेटिंग, ठीक है.
और राइट, उसके बाद में नेक्स्ट वाला है डैश दे डैश टॉक व्हेन आई वाज अवे। पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, यानी कि वही शुरुआत में क्या आ जाएगा, फिर से शुरुआत में हैड आ जाएगा, हैज हो हैव हो, क्योंकि इसके साथ में वो नहीं है ना, कोई प्लूरल या सिंगुलर का रूल तो है नहीं है, पास्ट दिया हुआ है तो हमेशा उसके साथ में हैड ही आता है। तो हैड दे बीन, और उसके बाद में टॉक का क्या हो जाएगा, टॉकिंग, क्या वह बात कर रहे थे जब आई वॉज अवे, जब मैं दूर था। बाय 6 o'clock, 6 बजे तक आई डैश रीड फॉर 3 hours, 6 बजे तक मैं 3 घंटे पढ़ रहा होऊंगा। आई क्या आ जाएगा उसके बाद में, आई के साथ में क्या आता है, बिल्कुल ठीक, आई शेल हैव बीन रीडिंग। ये तो काफी लंबा सा है, ये इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम हो सकता है लग जाए, इसको 2-3 बार अच्छे से समझिए एंड देन अप्लाई द रूल्स। बाय 6 o'clock, 6 बजे तक मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये वाली हमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपकी क्लैरिटी और बनती जाएगी। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोज। टेक केयर, बाय।